नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2020 का 23वां मुकाबला दो खतरनाक टीमें राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाना है, जहां एक टीम इस साल आईपीएल में काफ़ी शानदार फॉर्म दिखा रही है और अपने 5 में से 4 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स अपने 5 में से सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत पाई है, जबकि 3 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस टीम के लिए सबसे अच्छी खबर है कि आज का मुकाबला शारजाह में खेला जाना है और इस मुकाबले पर राजस्थान रॉयल्स अपने आईपीएल के दोनों मुकाबले अब तक जीत चुकी है, तो आज के मुकाबले में एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स पलटवार कर सकती हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल आज का मुकाबला जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 1 बनना चाहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11, साथ ही साथ आपको टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे हेड टू हेड मुकाबले और इस मैदान के रिकॉर्ड के बारे में भी आपको तमाम जानकारी देंगे। तो ये सब जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा अंत तक। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल के हर एक मैच की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम आज का ये धमाकेदार मुकाबला जीते। तो दोस्तों, आज का मुकाबला होगा शारजाह के मैदान पर और इस मैदान पर रन बनते नहीं बल्कि बहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रन बनाना काफ़ी आसान है। पिच शानदार बल्लेबाजी के लिए और साथ ही साथ छोटी बाउंड्री होने के कारण इस मैदान पर काफ़ी ज़्यादा रन बनते हैं। आज के मुकाबले में दो टीमें जो आमने सामने होने वाली है, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स। दोनों टीमों की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल ने जहाँ इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर बनाया हुआ है 228 रन, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स ने इस मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज किया हुआ है 224 रन, यानी कि दोनों टीमें यहां पर 200 से ज़्यादा रन बना चुकी है, जबकि राजस्थान ये कारनामा 2 बार कर चुकी है। दोनों बार उन्होंने इस मैदान पर मुकाबले भी जीते हैं, यानी कि आज का मुकाबला हमें बल्लेबाजों का मुकाबला होगा और काफ़ी शानदार मैच यहाँ पर देखने को मिल सकता है शारजाह के इस मैदान पर। आज के मुकाबले की बात करें तो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को हमें मिलने वाला है एक बार फिर, यानी कि काफ़ी चौके छक्के इस मैदान पर उड़ेंगे, चौकों से ज़्यादा छक्के लगने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, अब तक हम बात करें दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के हेड टू हेड मुकाबलों की, तो दोनों टीमें आईपीएल के इतिहास में अब तक 20 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है। अब तक राजस्थान रॉयल्स ने जहाँ 11 मुकाबले जीते हैं तो दिल्ली कैपिटल ने 9 मुकाबले जीते हैं, यानी कि राजस्थान रॉयल्स का दिल्ली कैपिटल के खिलाफ जीत का सक्सेस रेट 55% है। तो यहाँ पर एक बार फिर दोनों टीमों के बीच बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलने वाला आज, क्योंकि अब तक हेड टू हेड मुकाबलों में भले ही राजस्थान रॉयल्स आगे रही हो लेकिन उतनी ज़्यादा भी आगे नहीं, और आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल ज़्यादा अच्छी फॉर्म में लग रही है इस समय। वहीं पर चले दोस्तों, अब जान लेते हैं हम दोनों टीमों के उन खतरनाक खिलाड़ियों के बारे में जो आज के मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज है बल्लेबाजों का मुकाबला, तो यहां पर आज दिल्ली कैपिटल की तरफ से ऋषभ पंत, सिमरन हेटमायर, शिखर धवन, पृथ्वी शो, इसके अलावा सुरेश अय्यर काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इन सभी बल्लेबाजों के ऊपर काफ़ी बड़ी टीम की जिम्मेदारी आज के मुकाबले में रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करेगी वही टीम मुकाबला जीतेगी, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज इन्हीं के कंधों पर होगी। वहीं पर गेंदबाजी में इस टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं कंगिस और रबाडा, तो वो जितनी बेहतर गेंदबाजी करेंगे उतना ही मुकाबला इनकी तरफ होता जाएगा। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे ज़्यादा निकाय रहने वाली है जोस बटलर, स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों पर। इसके अलावा युवा जयसवी जायसवाल और महिपाल लोमरन जैसे खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं इस टीम के लिए। साथ ही ऑलराउंडर में राहुल तेवतिया काफ़ी शानदार फॉर्म दिखाई इस मैदान पर उन्होंने पहले भी, तो आज भी उनसे उम्मीद रहेगी। वहीं पर गेंदबाजी में इस टीम के पास 2 बेहतरीन गेंदबाजी नज़र आ रहे हैं इस समय, उनमें हैं कार्तिक त्यागी और जोप्रा आर्चर। ये दोनों जितने बेहतरीन गेंदबाजी करेगी और टीम को जितने जल्दी विकेट दिलाएंगे उतने यहाँ पर जीत के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो ये खिलाड़ी आज जो हमने बताए वो कमाल कर सकते हैं इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए और मुकाबला जिता सकते हैं। अब हम बात करते हैं शारजाह के इस मैदान की पिच रिपोर्ट की, तो इस मैदान पर बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं रखा है, यहाँ पर लगातार रन ही बनते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसे कम से कम 230 रनों तक का स्कोर खड़ा करना है अगर उसे ये मुकाबला जीतना है तो, क्योंकि यहाँ पर कोई लक्ष्य फिक्स नहीं है कि यहाँ पर कब तक आप मुकाबला जीत सकते हैं, यानी कि 230 रन यहाँ पर बनाने ही होंगे। इसके अलावा हम बात करें इस मैदान पर आईपीएल 2020 के मैचों की, तो अब तक यहाँ पर 4 मुकाबले हुए जिसमें 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है जबकि 1 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम, और 8 पारियों में से 7 पारियों में यहाँ पर 200 से ज़्यादा रन बन चुके हैं।
लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा स्कोर मुंबई इंडियंस ने बनाया है 208 रनों का पहले बल्लेबाजी करते हुए, वरना इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर है 228 रनों का जो दिल्ली कैपिटल ने बनाया है, और यहाँ पर सबसे बड़ा रन चेस है 224 रनों का जो कि राजस्थान रॉयल्स ने किया है। यानी कि मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। तो चले दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कि आखिरकार आज के मुकाबले में दोनों टीमें किस किस बदलाव के साथ उतरने वाली हैं और कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आज इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की। तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल, दोनों से काफ़ी बड़ी पारी की यहाँ पर उम्मीद रहेगी। जोस बटलर ने पिछले मुकाबले में भी शानदार 70 रनों की पारी खेली थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल को दो मैचों में मौका मिला लेकिन वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो उम्मीद है आज के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की, तो यहाँ पर स्टीव स्मिथ, 4 पर संजू सैमसन, 5 पर महिपाल लोमरो और 6 पर राहुल तेवटिया और 7 पर टॉम करन उतरने वाले हैं। यानी कि मिडिल ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, महिपाल लोमरो पर है। इसके अलावा बेहतरीन फिनिशर यहाँ पर राहुल तेवटिया भी टीम को दे सकते हैं, साथ ही साथ जोपरा आर्चर और टॉम करन टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं बल्ले से भी, तो इनसे भी यहाँ पर बड़ी उम्मीदें रहेगी राजस्थान रॉयल्स को। इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर 8 की, तो यहाँ पर जोपरा आर्चर, 9 पर श्रेयस गोपाल, 10 पर अंकित राजपूत और 11 पर कार्तिक त्यागी उतरने वाले हैं। अंकित राजपूत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं टीम के साथ ही कार्तिक त्यागी और चोपड़ा आर्चर इस टीम के सबसे अहम गेंदबाज रहने वाले इस मुकाबले में, जो कि शानदार गेंदबाजी करके यहां पर टीम को जीत दिला सकते हैं। तो यहां पर उम्मीद है राजस्थान रॉयल्स के सभी प्लेयर शानदार प्रदर्शन करेंगे इस मुकाबले में भी और टीम को महत्वपूर्ण स्कोर तक पहुंचाएंगे। वहीं पर चले बढ़ते हैं अब दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की तरफ। तो दिल्ली कैपिटल की टीम इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रही है और अपने अब तक के 5 मुकाबलों में से ही 4 मुकाबले जीत चुकी है। तो इनकी तरफ से ओपनिंग में उतरने वाले हैं पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। इन दोनों की जोड़ी ने अब तक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। जहाँ पर बात करें दोनों के बीच, तो पृथ्वी शॉ 2 अर्श तक लगा चुके हैं इस आईपीएल में। यानी कि पृथ्वी शॉ दिल्ली कैपिटल के लिए छोटा पटाखा बड़ा धमाका कर रहे हैं अब तक आईपीएल के इस सीजन में और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथ ही आज शिखर बेफिक्र से भी यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी दिल्ली कैपिटल को। इसके बाद नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, 4 पर ऋषभ पंत, 5 पर सिमरन हेटमायर, 6 पर मार्को स्टोनिस और 7 पर अक्षर पटेल उतरने वाले हैं। सबसे बेहतरीन फॉर्म में यहाँ पर भी श्रेयस अय्यर कप्तान है। इसके अलावा ऋषभ पंत, मार्को स्टोनिस और सिमरन हेटमायर से बल्ले से काफ़ी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी दिल्ली कैपिटल को। मार्को स्टोनिस भी इस बार काफ़ी शानदार फिनिशर का रोल निभा रहे हैं और 2 अर्श तक लगा चुके हैं। इसके अलावा सिमरन हेटमायर से बल्ले से रनों की उम्मीद रहेगी। वहीं पर नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन, 9 पर हर्षल पटेल, 10 पर कंगिसो रबाडा और 11 पर एंद्रिक नॉर्जे उतरने वाले हैं। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी कर रहे कंगिसो रबाडा और एंद्रिक नॉर्जे, जिन्होंने अब तक आईपीएल में दिल्ली कैपिटल के लिए कई विकेट चटका के दिए हैं। साथ ही पर्पल कैप में इसमें रबाडा नंबर 1 पर बने हुए हैं। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल से स्पिन गेंदबाजी में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखने के बाद आपको किस टीम की प्लेइंग 11 सबसे मजबूत लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही आज के मुकाबले में कितना स्कोर बनेगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।